आज बात करेंगे एक बहुत ही शानदार कोर्स के बारे में, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये कोर्स जो 12th पास स्टूडेंट हैं जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, और इस कोर्स की खासियत क्या है, इसको करने के बाद से आपको जॉब कैसी मिलेगी, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे आपको ये कोर्स करने में, तो इस कोर्स के बारे में फुल्ली इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोर्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो कोर्स का नाम है, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं BNYS, BNYS कोर्स है। तो BNYS कोर्स है क्या वो जान लेते हैं। तो BNYS कोर्स को अगर एब्रिविएशन में अगर जानेंगे तो डायरेक्टली हम इसको बोलते हैं बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। तो कोर्स का नाम है आपका बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। तो जैसा कि ये कोर्स है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ये कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, कितने साल का ये कोर्स है, ताकि आप इसको कर सके। तो ये कोर्स जो है आपका 4.5 ईयर से लेकर के 5.5 ईयर, मतलब कि 4.5 से 5.5 साल का कोर्स है। कैसे? क्योंकि इसमें 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप भी होता है, 1 साल की इंटर्नशिप है। तो अगर 1 ईयर इंटर्नशिप ऐड करेंगे तो पूरा जो कोर्स है आपका 5.5 साल का हो जाता है। तो 5.5 साल का कोर्स है, उस तरह से बिना इंटर्नशिप के अगर जोड़ेंगे तो 4.5 साल का कोर्स है। तो ये 5.5 साल का कोर्स है जो कि BNYS नाम से जाना जाता है। और कोर्स का जो लेवल है, मतलब कि कोर्स का स्तर क्या है, तो ये है यूजी कोर्स है, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स की श्रेणी में ये आता है। लेकिन ये कोर्स का ड्यूरेशन है 5.5 साल का और यूजी कोर्स है, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो योग्यता क्या है, तो आपको इसके लिए 12 होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए आपका, मतलब कि +2 आप पास रहोगे। सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो आपका PCM भी चल जाएगा और PCB भी चल जाएगा इसके लिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी चल जाएगा आपका। तो दोनों मतलब कि स्ट्रीम से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। एडमिशन की प्रोसेस क्या है, तो एडमिशन की जो प्रोसेस है वो आपका एंट्रेंस बेस्ड होता है, मतलब कि अगर कंबाइंड एग्जाम देते हो जो नीट कहते हैं, जिसको मेडिकली एक कंबाइंड एग्जाम है, तो अगर आप ये देते हैं इसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो काउंसलिंग के थ्रू आप अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और BNYS जो कोर्स है उसमें आप एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि डायरेक्टली भी एडमिशन लेते हैं, वो आपके इंटर बेस्ड के जो मार्क है उसके मेरिट के आधार पे भी डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जैसे राजस्थान में जोधपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनमें ये कोर्स है, वहां पे आप उनके हिसाब से उनके साइट पे जाकर के आप डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद से आपको फी वगैरह पेमेंट करनी होती है। तो एग्जाम वो अपना अलग कराते हैं, उस एग्जाम में आप पास करते हो तो फिर काउंसलिंग होगी और फिर आपको जैसा कॉलेज मिलेगा वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो उस हिसाब से भी आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अब जो मेन मोटिव है इस कोर्स का कि कोर्स को करने के बाद से आप जॉब कौन कौन सी किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हो, तो सबसे बेहतरीन चीज है कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आयुर्वेद के एक तरह से प्रैक्टिशनर हो जाएंगे, बड़े तौर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयां हैं उसको आप बनवा सकते हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप आयुर्वेदिक सलाहकार बन सकते हैं, या एक योगा ट्रेनिंग सेंटर आप बहुत ही बड़े तौर पे एक योगा ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हो। साथ ही आप चाहें तो किसी भी आयुष कॉलेज में आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो ये सब एक तरह से आपके जॉब के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये कोर्स करने के बाद से आपको किस तरह की जॉब मिलेगी। और अगर पैसे की बात करेंगे तो सैलरी स्केल भी बहुत अच्छा खासा होता है। आप चाहें तो इस कोर्स को करके 3 से 4 लाख पर एनम कमा सकते हैं, पर साल आप 3 से 4 लाख रुपए जो है आसानी से कमा सकते हो। यह जो कोर्स है भारत में भी अवेलेबल है, और अगर आप चाहें तो अदर कंट्री से भी कर सकते हो, दूसरे देश से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसकी जो एक तरह से खासियत कहेंगे तो इस समय आयुर्वेद और योगा जो है बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी 12th पास हुए और चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में हम डायरेक्टली अभी चूज नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं क्या करें, या बैठे हुए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको मेडिकल में इंटरेस्ट है, मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, आयुर्वेद या योगा में इंटरेस्ट है, तो आप BNYS कोर्स कीजिए। और
और अपना एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, जिसमें आपको एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड एजुकेशन, ब्रॉड एक लेवल मिल जाता है, एरिया मिल जाता है ऐसा, कि जहां पे सारी चीजें आपको आयुर्वेद से रिलेटेड मिलेगी, आपको इंटरेस्ट आएगा इस कोर्स में, और इस कोर्स को करने के बाद से इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, करने के बाद से आप जॉब भी अच्छी खासी पा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये जो कोर्स है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हमें BNYS कोर्स के बारे में बताइए, तो मैंने इस कोर्स में समझाने का कोशिश किया, जो पॉइंट वाइज जो चीजें थी जो आपको जानना था उसमें मैंने मेनली फोकस किया कि ये कोर्स जो है कितने ड्यूरेशन का है, किस लेवल का कोर्स है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन कराएंगे, और कोर्स करने के बाद से जॉब आपको क्या मिलेगी, तो इस तरह का है। और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको करने के बाद से बस अपनी ही कंट्री में जॉब करेगा, विदेश फॉरेन कंट्री में भी आप जॉब कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो बेल जो और बेल आइकन मत दबाना भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकॉन दबाते हैं तो मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, मेरी जो भी वीडियो नई आएगी वो आपको तुरंत पता चलेगी, तो बेल आइकॉन जरूर दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों तक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।